एक संदेश जारी किया गया जिस विच उन्होंने लिखा है कि धन धन श्री गुरु नानक साहब जी की पावन पवित्र धरती गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री ननकाणा साहब पाकिस्तान विखे 100 साल पहला वापरा शहीदी साका गुरु खालसा पंथ लिए एक बहुत वड्डा दुखान सी। इस वापरे खूनी साके के दौरान तकरीबन 150 तो 200 के करीब शहादतें हुई। अज असी इस महान शहीदी साके को 100 साल शताब्दी रूप में मनाने जा रहे हैं, इसलिए हेठ लिखे अनुसार श्री अकाल तख्त साहब वालों कौम के नाम से संदेश जारी किया जाता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब का हरेक मैंबर अपने अपने हल्के एक महीने के अंदर अंदर इस साके मनाने घट्टो घट्ट 5 समागम करवाएगा। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का हरेक मैंबर अपने चोण हल्के एक महीने के अंदर अंदर 2 समागम करवाएगा। तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब प्रबंधकी बोर्ड बिहार और तख्त सचखंड श्री हजूर अबिचल नगर साहब प्रबंधकी बोर्ड नांदेड़ भी एक समागम करवाएगा। श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल दमदमी टकसाल तरना दल हरिया वेला तरना दल बाबा बकाला बाबा विधि चंद दल पंथ समूह निहंग जथेबंदियां समूह कार सेवा संपरदावा चीफ खालसा दीवान खालसा कॉलेज चैरिटेबल सोसायटी श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल समूह सिख मिशनरी कॉलेज श्री सुखमनी साहब सेवा सोसायटियां समूह सिख सभावां देश विदेश दियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां देश विदेश दियां स्थानक पद्धर दियां संस्थावां सिख स्टूडेंट फैडरेशन सिख नौजवान जथेबंदियां अपनी अपनी समर्था के मुताबिक एक महीना साका ननकाणा साहब के शहीदों की याद के समागम करवाउण संभव होवे तां इन्हां समागमां विच अमृत संचार भी करवाए जाण। सिख संस्थावां जां सिख नुमाइंदियां वल्लों कीते जा रहे इन्हां समागमां दे विच जिथे ननकाणा साहब के शहीदों की गल की जाए उत्थे भारत सरकार वल्लों ननकाणा साहब जा रहे जथे नूं रोक के कीती गई वधीकी का भी जिक्र किया जाए। अपनी अपनी समर्था के मुताबिक सारे समागम गुरुद्वारा साहब जी के अंदर या योग स्थान से किए जाण। इन्हां समागमां विच संगत भी वध तों वध शमूलियत नूं यकीनी बनाया जाए। सारे समागमां की जानकारी श्री अकाल तख्त साहब विखे जरूर भेजी जाए। एक संदेश जारी किया गया जिस विच उन्होंने लिखा है कि धन धन श्री गुरु नानक साहब जी की पावन पवित्र धरती गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री ननकाणा साहब पाकिस्तान विखे 100 साल पहला वापरा शहीदी साका गुरु खालसा पंथ लिए एक बहुत वड्डा दुखान सी। इस वापरे खूनी साके के दौरान तकरीबन 150 तो 200 के करीब शहादतें हुई। अज असी इस महान शहीदी साके को 100 साल शताब्दी रूप में मनाने जा रहे हैं, इसलिए हेठ लिखे अनुसार श्री अकाल तख्त साहब वालों कौम के नाम से संदेश जारी किया जाता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब का हरेक मैंबर अपने अपने हल्के एक महीने के अंदर अंदर इस साके मनाने घट्टो घट्ट 5 समागम करवाएगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हरेक मैंबर अपने चोण हल्के एक महीने के अंदर अंदर 2 समागम करवाएगा। तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब प्रबंधकी बोर्ड बिहार और तख्त सचखंड श्री हजूर अबिचल नगर साहब प्रबंधकी बोर्ड नांदेड़ भी एक समागम करवाएगा। श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल दमदमी टकसाल तरना दल हरिया वेला तरना दल बाबा बकाला बाबा विधि चंद दल पंथ समूह निहंग जथेबंदियां समूह कार सेवा संपरदावा चीफ खालसा दीवान खालसा कॉलेज चैरिटेबल सोसायटी श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल समूह सिख मिशनरी कॉलेज श्री सुखमनी साहब सेवा सोसायटियां समूह सिख सभावां देश विदेश दियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां देश विदेश दियां स्थानक पद्धर दियां संस्थावां सिख स्टूडेंट फैडरेशन सिख नौजवान जथेबंदियां अपनी अपनी समर्था के मुताबिक एक महीना साका ननकाणा साहब के शहीदों की याद के समागम करवाउण संभव होवे तां इन्हां समागमां विच अमृत संचार भी करवाए जाण। सिख संस्थावां जां सिख नुमाइंदियां वल्लों कीते जा रहे इन्हां समागमां दे विच जिथे ननकाणा साहब के शहीदों की गल की जाए उत्थे भारत सरकार वल्लों ननकाणा साहब जा रहे जथे नूं रोक के कीती गई वधीकी का भी जिक्र किया जाए। अपनी अपनी समर्था के मुताबिक सारे समागम गुरुद्वारा साहब जी के अंदर या योग स्थान से किए जाण। इन्हां समागमां विच संगत भी वध तों वध शमूलियत नूं यकीनी बनाया जाए। सारे समागमां की जानकारी श्री अकाल तख्त साहब विखे जरूर भेजी जाए।